गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन। यस, थीम नंबर 7, रॉ हिस्ट्री, साइंस एंड फिलोसॉफी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अरब इन दिस फील्ड। नेक्स्ट पेज नंबर 56, आर्टिस्ट एंड रियलिस्ट, हमने आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा। आर्टिस्ट ऑल्सो प्रेजेंटेड ए ग्रेट डील ऑफ एंडेवर of their in the form of painting by copying by getting copy of the sculptures of the statues excavated from the ancient Rome and Greek ruins। उन्होंने उन जो मूर्तियां थी, जो स्टेचू थे, उनको देखकर उन्होंने थ्री डायमेंशन पिक्चर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई उन आर्टिस्टों ने। आर्टिस्टों के नाम इसमें आते हैं, जैसे लियोनार्डो डा विंची, इन्होंने लास्ट सफर बनाई। इस तरह की जो पेंटिंग्स थी, उन्होंने स्कल्पचर को देखकर, स्टेचू को देखकर बनाई, क्योंकि एंशियन रोम, जिसको रिकमेंड किया गया था कि इसको पढ़ा जाए कुछ स्कॉलर्स ने, उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग्स उस रूइंस में नहीं मिली, तो इनको देखकर बनाया। इसमें बहुत सी आर्ट, जिसमें ऑयल पेंटिंग बाद में इसको इनोवेट किया गया 14th century में, 14th। तो आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, रियलिज्म जो यूरोपियन पेंटिंग है, रियलिज्म कहाँ से लाया गया, इसमें किस किस की हेल्प है, किस किस की मदद है। नंबर वन है जो एनाटॉमी है, ज्योमेट्री है और फिजिक्स है। इन तीन चीजों ने यूरोपियन आर्ट को रियलिज्म तक पहुंचाया। क्योंकि ये चीजें 14th सेंचुरी के बाद अब तक दुनिया में आ चुकी थी, इनकी खोज हो चुकी थी। अब इसी से आगे हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं भवन, मकानों को बनाना, बिल्डिंग्स को बनाना, हॉल्स बनाना, कमरे बनाना, उसमें पेंटिंग्स करना, इस तरह की चीजें शो करना, वो आर्किटेक्चर कहलाता है। आज हम यहां से लेंगे आर्किटेक्चर, पेज नंबर 150 से स्टार्ट करेंगे। द सिटी ऑफ रोम, पॉपुलर नेम है, द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन ए पर्टिकुलर वे, जिंदा हुआ। ये जो रोम सिटी था, जो वेस्टर्न यूरोप है, जो यूरोप है, ये फिर से जिंदा हुआ 14th century में, फिर से ये जीवंत हो गया 15th सेंचुरी में। और 1417 में जो पोप थे, जो पोप अब तक जिसका डोमिनेंसी खत्म हो चुकी थी 14th सेंचुरी में, फिर ये एमर्ज हो गए, फिर ये सामने आए और इन्होंने एनकरेज किया, दे एक्टिवली एनकरेज्ड द स्टडी ऑफ रोम हिस्ट्री। इन्होंने कहा कि रोम का जो इतिहास रहा है, उसको आप लोग पढ़िए। 14th सेंचुरी के बाद फिर स्कॉलर्स थे, पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर्स थे, उन्होंने कहा कि उस दौर की, उस जमाने की 5th और 6th century, 3rd to 4th century का जो मेटेरियल है, जो आर्ट है, जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको पढ़ा जाए, आर्ट को सामने लाया जाए इसके अंदर। तो ये इन्होंने भी रिकमेंड किया था पॉक्स ने भी, है ना, 17th and 14th। दे एक्टिवली एनकरेज, इन्होंने एनकरेज किया द स्टडी ऑफ रोम हिस्ट्री। इसके बाद आता है कि द रूइंस इन द रोम, रोम में जो खंडर थे, उस जमाने के जो खंडर थे, वो खंडर इन द रोम वर केयरफुली, उनको बहुत सावधानी से खोदा गया, मशीनों से उनको खोदा गया बाय आर्कियोलॉजिस्ट। और खोदने वाले कौन थे, निकालने वाले कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट, जो जमीन खोद के बहुत सावधानी से उसने कुछ चीजें निकालते हैं पुरानी जो उसने दब गई, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। दिस इंस्पायर्ड ए न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर, जब उन्होंने खोदा तो बहुत सारी चीजें निकली, आर्किटेक्चर निकला, बिल्डिंग्स निकली, ठीक। तो उसने एक नया स्टाइल दिया 14th सेंचुरी के बाद का जो आर्किटेक्चर था, वो आर्किटेक्चर एक तरह का आईना है जिसका 3rd and 4th century ऑफ रोम, रोमन एम्पायर के टाइम का, ठीक है। वो डिजाइन, वो आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं इसमें, ये उसी जमाने का, उसी दौर का है जो आप देखते हैं रोम का।
आर्किटेक्चर विच वॉज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ द इम्पेरियल रोमन, इम्पेरियल शाही रोमन स्टाइल का ये एक अक्ष था, एक रिफ्लेक्शन था 14th century के बाद के बनने वाले महल मैंशन और जो कोठियां बनी उसमें इनको शो किया गया। रोमन नाउ कॉल्ड क्लासिकल, इस स्टाइल को 14th century के बाद के स्टाइल को क्या क्या नाम दिया गया, क्लासिकल, पुराना शानदार स्टाइल जो 14th century मॉडर्न टाइम में देखा जा सकता था उस दो बिल्डिंग में, बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, इसके बाद क्लासिकल और वेल्दी, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन था 14th century के बाद के यूरोप में? और नंबर टू वेल्दी मर्चेंट्स, पैसे वाले जो व्यापारी थे वो, और एरिस्टोक्रेट और उस जमाने के वेल टू डू पर्सन, धनवान लोग, इनका इसमें इम्पोर्टेंट रोल था, इनका इसमें एनकरेजमेंट था, इनका इसमें ये उनको स्ट्रक्चर दिया करते थे। एम्प्लॉयड आर्किटेक्ट, इन तीनों ने मिलकर आर्किटेक्ट को एम्प्लॉय किया, उनको रोजगार दिया। हु वर फैमिलियर विद द क्लासिकल, जो क्लासिकल आर्किटेक्चर से परिचित थे उनको उन्होंने वहां पर रोजगार दिया, उनको काम दिया, उनको कमीशन किया। आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर वर ऑल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग, आर्टिस्ट और स्कल्पचर ये भी बिल्डिंग में डेकोरेशन का काम भी किया करते थे, विद पेंटिंग करते थे, स्कल्पचर खुदाई वाला काम करते थे, और रिलीफ जो लाइन वाले काम होते हैं ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा था इसमें कि सम इंडिविजुअल्स वर स्किल्ड इक्वली इन पेंटर्स, इसमें कुछ ऐसे लोग थे वहां पर जिनको अच्छी खासी पेंटिंग आती थी, आर्किटेक्चर या स्किलफुली अच्छे पेंटर थे, कुछ और लोग भी ऐसे थे स्कल्पचर थे और कुछ आर्किटेक्ट स्कल्पचर और पेंटर, ये क्वालिटी स्किल वहां कुछ और लोगों में भी थी, तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया, उनसे भी काम लिया गया। द मोस्ट इम्प्रेसिव एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव प्रभावी जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो किसके लिए आता है, माइकल एंजिलो। ये माइकल एंजिलो है 1475-1564 के बीच, ये एक आर्टिस्ट है, इमोर्टलाइज्ड बाय द सीलिंग। इन्होंने इसकी जो छत थी, एक शानदार एक चर्च था वहां का, उस चर्च की छत पे जो उन्होंने काम किया था वो आज तक जाना माना है दुनिया के, बहुत पॉपुलर हुआ है। सीलिंग पेंटेड फॉर द पोप, पोप इन द सिस्टाइन चैपल, सिस्टाइन चैपल चर्च कोई है, उसकी छत पे इन्होंने काम किया था, छत के अंदर जो काम किया था नक्काशी वाला काम जो था, स्कल्पचर कॉल्ड पिएटा, जिसे कहा जाता है पिएटा वर्क, जो स्कल्पचर उस पिएटा, पिएटा एक पिएटा जो है एक ब्रांच है पेंटिंग की, थिएटर जो वर्क था वो इनके द्वारा किया गया था इस चर्च की छत की सीलिंग के ऊपर, जो बहुत जो आज तक अमर है, जाना माना है ऑल इन यूरोप। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिलिप्पो, फिलिप्पो नाम के ये आर्किटेक्ट हैं हु डिजाइन द स्पेक्टेकुलर डीओमो, डीओमो ऑफ फ्लोरेंस, जो बिल्डिंग है डीओमो या डीओवर, उसमें इन्होंने उसकी उसका जो नक्शा था, मैप था, बहुत शानदार बनाया था इन्होंने, जो आप तक अमर हेड स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्कल्पचर, इन्होंने अपना स्कल्पचर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था, अपनी लाइफ स्टार्ट की थी इस तरह की आर्किटेक्चर का रूप देकर इस बिल्डिंग में, जिससे वो पॉपुलर हुए और आज तक उनका नाम इतिहास में लिया जाता है। पेज नंबर 160 पे आइए। अनदर रिमार्केबल चेंज, एक और बदलाव देखा गया, परिवर्तन देखा गया इस वक्त 14th century के बाद। आर्टिस्ट वर नॉन इंडिविजुअली आर्ट बाय जो आर्टिस्ट थे, अब वो नाम से जाने जाने लगे थे, मतलब उनकी इतनी ज्यादा डिमांड हो गई थी कि जो आर्टिस्ट थे वर नॉन इंडिविजुअली, वो अलग अलग नामों से जाने जाते थे, पॉपुलर हो गए थे बाई नेम, नॉट टू मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और ए गिल्ड। इससे पहले ये आर्टिस्ट ये स्कल्पचर किसी ग्रुप में काम करते थे, एक यूनियन में काम करते, अब पर्टिकुलर इनका नाम इतना अपने आप एक ब्रांड बन चुके। इसके बाद द फर्स्ट प्रिंटेड बुक, अब हम पढ़ेंगे पहली किताब प्रिंटेड बुक जो थी जो छपी, प्रिंटिंग प्रेस आपको मालूम है जर्मन ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। इफ द पीपल इन अदर कंट्रीज वॉन्टेड टू सी पेंटिंग्स,
है नहीं, स्कल्पचर्स और बिल्डिंग्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट दे हैड टू ट्रेवल टू इटली। अब देखिए, अब इटली के आसपास के लोगों को अगर इटली की ये स्कल्पचरिंग, इटली की ये पेंटिंग्स जो शानदार जो अब तक बन चुके थे बिल्डिंग्स में, जो महलों के अंदर लोगों ने बनाई थी, ये सारा वर्क किया था, उसको देखना होता था तो लोग इटली आया करते थे, रोम आया करते थे, फ्लोरेंस आया करते थे देखने के लिए। ठीक है, उनको आना पड़ता था। बट इन द केस ऑफ द रिटर्न वर्ड, व्हाट वाज रिटर्न इन इटली, ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखा गया बिल्डिंग्स के अंदर, है ना, रोमन में या ग्रीक लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेजेस में, वो जो अदर कंट्रीज, वो धीरे धीरे यहाँ से लोग जब देखने आए तो उसको उन्होंने कहीं और भी वो अपने साथ ले गए। उस बट टू द केस ऑफ द रिटर्न वर्ड, व्हाट वाज रिटर्न, जो इटली में लिखा गया था, इन इटली ट्रेवल टू, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, वो लोग अपने साथ दूसरे कंट्रीज में उनको ले गए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी। ये पॉसिबल कब हो सका, ये जब हो सका कि लोग जब इन चीजों को अपने साथ अदर कंट्रीज में ले गए, जब वो इटली में आए, तो यहाँ से वो कब हुआ, जब 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया। और पहली बुक जो मैंने पहले बताई थी, पहली बुक जो प्रिंट हुई थी वो थी बाइबल, जिसकी 150 कॉपियां निकली थी। 150 कॉपियां जितने टाइम में निकली थी, तो ये टाइम इससे पहले, इससे पिछली सेंचुरीज में एक कॉपी को लिखने में, एक कॉपी को निकालने में इतना टाइम लगता था जितना 150 कॉपीज में लगा। मतलब प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो उसमें बहुत कम वक्त बुक्स प्रिंट हो गई। यूरोपियन वर इंडेटेड टू अदर पीपल द चाइनीज। अब तक क्या था कि लोग, ये तो यूरोपियन लोग थे, ये चाइनीज और मंगोल, यहाँ पर ये चीजें आ चुकी थी, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, ये अब तक उन पर डिपेंडेंट थे। द मास्टरी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रिंटिंग, ये बात कहता है कि फॉर दिस यूरोपियन वर इंडेटेड टू अदर पीपल द चाइनीज, क्योंकि जो यूरोपियन थे ये रेडी थे, इंडेटेड कहते हैं रेडी थे, एहसानमंद थे किसके, दूसरे लोगों के। वो कौन लोग थे, चाइनीज, चाइनीज लोगों के इंडेटेड थे फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। क्यों, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी चाइना में आ गई थी और फिर चाइना से यहाँ पर आई टेक्नोलॉजी, एंड टू मंगोल रूलर, मंगोल रूलर और चाइनीज, इन दोनों के रेडी थे ये, बिकॉज यूरोपियन ट्रेडर्स, क्योंकि यूरोपियन जो व्यापारी थे और डिप्लोमेट थे, व्यापारी और डिप्लोमेट पॉलिटिकल पर्सन, हैड बिकम फैमिलियर विद इट ड्यूरिंग विजिट्स टू देयर कोर्ट। जब मंगोल दरबार में, जब मंगोल, जब यहाँ के व्यापारी, इटली के व्यापारी जब मंगोल जाया करते थे, विजिट करते थे, तो वहां पर ये चीजें वो देखा करते थे। जब देखा तो वो मैसेज वो अपने साथ इटली में लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस को तो बना लिया। दिस वॉज ऑल्सो द केस विद थ्री अदर इम्पोर्टेंट इनोवेशन। इसके साथ साथ तीन इनोवेशन और ये यहाँ के व्यापारी बिजनेसमैन कहाँ के, इटली के, जब कहाँ गए, मंगोल गए और चाइनीज चाइना गए, तो वहां से ये तीन चीजें और लेकर आए, तीन चीजों का आइडिया और लेकर आए। वो थे फायर, ये जो गोला होता है, जो गोले होते हैं हम जो मारते हैं, ब्लास्ट करते हैं, फायर आर्म के गोले, तोप के गोले, कंपास और एबेकस। एबेकस छोटे बच्चों की होती है ना, काउंटिंग सिखाने के लिए मार्बल्स होते हैं, गोलियां होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे उस पर लगी होती हैं एक रॉड के ऊपर, उसे कहते हैं एबेकस। ये तीन चीजें, ये लोग, ये तीन चीजें भी प्रिंटिंग के साथ साथ ये तीन चीजें भी लोग लेकर आए मंगोल से और चाइना से, वहां से ये आइडिया लेकर आए और फिर यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस बनना पॉसिबल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अर्लियर, इससे पहले, मतलब इस जमाने से पहले का जो जमाना था, टेक्स्ट एग्जिस्टेड, जो टेक्स्ट थी, जो किताबें थी, वो हाथ से लिखी होती थी। 1456 में ये उसी बात को कह रहा है, 150 कॉपियां बनी,
और 150 कॉपी बनने में जितना टाइम लगा, इतना टाइम एक कॉपी को निकालने में इससे पहले का जो दौर था उस जमाने में लगता था। फिर आता है नेक्स्ट, अभी कह रहा है 1500 तक, 1500 1500 तक मैंने क्लासिकल बहुत सारी पुरानी बुक्स टेक्स्ट पाठ्य पुस्तकें जो लेटिन में लिखी हुई थी, जो लेटिन लैंग्वेज में लिखी थी, हैड बीन प्रिंटेड, उनको इटली में प्रिंट किया जा चुका था, वो बुक्स प्रिंट हो चुकी थी, उनका प्रिंट निकल चुका था, क्योंकि प्रिंटेड बुक्स जो थी वो बिकेम अवेलेबल। प्रिंटेड बुक्स अब हर दुकान पे, हर शॉप के ऊपर अवेलेबल थी, जल्दी वाला शॉप, इट वॉज पॉसिबल टू बाई देम। अब उनको खरीदना आसान हो गया, एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू डिपेंड सोलली ऑन लेक्चर्स, लेक्चर नोट। अब जो स्टूडेंट जो पढ़ा करते थे कॉलेज में, स्कूलों के अंदर, अब वो लेक्चर्स पर डिपेंड नहीं थे, लेक्चर्स के नोट्स पर डिपेंड नहीं थे, अब वो कभी भी बुक्स खरीद कर इसके थ्रू अपनी मदद आप कर सकते थे। कहता है कि आइडियाज, विचार, आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीजें मोड मोर वाइडली, ये सब चीजें और तेजी के साथ चारों तरफ ये फैल गई, कॉमन हो गई, एंड मोर रैपिडली देन इवन बिफोर, और बहुत तेजी के साथ जो इससे पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारी कॉपियां निकाल दी, काफी टेक्स्ट अब गए, तो हर एक के हाथ में बुक्स का आना आसान हो गया और खरीदना आसान हो गया। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल स्टोरी बुक्स। अब जब बुक्स इतनी कॉमन हो गई, तो एक आम आदमी भी जिसको पढ़ना आता था वो भी किताबों को खरीदता, या किसी लाइब्रेरी में जाकर बैठकर किताबों को, बुक्स को पढ़ सकता था, उसके लिए आसान हो गया। सिंस इट वॉज पॉसिबल टू बाई कॉपी फॉर एवन सेल्फ, दिस डेवलप्ड द रीडिंग हैबिट एमंग, इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस ने लोगों के अंदर पढ़ने की आदत को कल्टिवेट कर दिया, उसमें लोगों को पढ़ने की आदत डाल दी। द चीफ रीजन, मुख्य जो रीजन था, देन द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द एल्प्स। ये जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था, ह्यूमनिस्ट कल्चर, ये हम वही तो बोल रहे हैं, हम ह्यूमनिस्ट जो कल्चर, ये बहुत तेजी के साथ फैला, और कहाँ फैला, आल्प, मतलब इटली से बाहर निकल गया, यूरोप से बाहर निकल कर आल्प जो माउंटेन्स हैं वहां तक, मतलब काफी दूर तक ये फैल गया, फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी के एंड में, 16th सेंचुरी का स्टार्टिंग और 15th सेंचुरी का एंड, लगभग ये इटली के बाहर पहुंच चुका था, ये बुक्स का या कि नॉलेज या कि आइडिया या कि इंफॉर्मेशन, नहीं नॉलेज वहां तक पहुंच गई। प्रिंटेड बुक्स वर सब इस तरह से ये छपी हुई किताबें थी चारों तरफ सर्कुलेट होने लगी। दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हैव बीन लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, मतलब इससे पहले का जो जो जमाना था, उस वक्त में जो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे, राइटर्स थे, पोएट्स थे, वो अपने कलाम को, अपनी लिखी हुई चीजों को, बुक्स को डिस्टेंट प्लेसेस तक पहुंचा नहीं पाते थे। ये बात भी इससे साफ होती है, क्लियर होती है, एक्सप्लेन होती है, क्यों उस वक्त में बुक्स को हाथ से लिखा जाता था, उसमें बहुत टाइम लगता था प्रिंट होने के बाद। अब हर चीज इनको परचेस करना, इनको दूर तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया, ये प्रिंटिंग प्रेस का मिरेकल रहा। इसके बाद है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, देखिए अब आता है न्यू कॉन्सेप्ट, एक नई धारणा, एक नया विचार, एक नया धारणा ह्यूमन, इंसान की सोच, इंसान के मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंसान अब धर्म के चंगुल से 100% रिलीजन के चंगुल से बाहर आ चुका था, अब वो अपनी लाइकिंग, अपनी पसंद, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने आप को माउंड कर सकता था, अपने आप को डाल सकता था। इस 14th सेंचुरी के बाद इस मॉडर्न, जिसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है, ठीक है, डाल सकता था अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अब अपने आप को कर सकता था। अब ये हम वही बात इसमें हम जानेंगे, ये कह रहा है कि वन ऑफ द फीचर ऑफ द ह्यूमनिस्ट कल्चर, ह्यूमनिस्ट कल्चर, ह्यूमनिस्ट संस्कृति का एक जो फीचर है, वाज अ स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ द रिलीजन ओवर ह्यूमन बींग, इंसान धर्म की 100% जो पकड़ थी, जो इंसान बंधा हुआ था पूरी पूरी तरह से मतलब से धर्म से, वो अब काफी हद तक ढीली पड़ चुकी थी, इंसान उसके चंगुल से आजाद हो चुका था, है ना। रिलीजन वाज ह्यूमन लाइफ, इटालियंस वर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, जो इटली के लोग थे वो अब बहुत ज्यादा
आकर्षित हो गए किधर, वेल्थ दौलत की तरफ, पावर की तरफ और ग्लोरी की तरफ। ग्लोरी शान, शान शौकत, पावर और वेल्थ, इसकी तरफ आकर्षित होने लगे धर्म से निकलकर। बट दे वर नॉट नेसेसरीली रिलीजियस, ऐसा नहीं है कि वो अब नास्तिक हो गए थे या एथेइस्ट हो गए थे, धर्म को तो मानते थे लेकिन एक लिमिट में रहकर। अब वो ग्लोरी, अच्छे अच्छे मकान, बेहतरीन आर्किटेक्चर, इसमें वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे थे। कौन लोग? इटालियन लोग। इसमें एक नाम आता है बारबेरो, फ्रांसिस्को बारबेरो, है नहीं, ह्यूमनिस्ट है ये वेनिस का ह्यूमनिस्ट है। इन्होंने लिखा है पैम्फलेट, इन्होंने छोटा सा पैम्फलेट में लिखा था डिफेंड करते हुए एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्चू। वर्चू कहते हैं खूबी, अच्छाई। इन्होंने कहा था अगर हम दौलत को जमा करेंगे तो ये जमा करना अच्छा है, एक्विजिशन, अगर हम दौलत जमा करें, हासिल करें, खूब कमाएं तो ये एक वर्चू है, ये एक इंसान की खूबी है, हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि आइडिया बदलना है। इन ऑन प्लेजर, ऑन प्लेजर नाम की एक बुक है जिसमें लोरेंजो वेला नाम के एक राइटर हैं जो विश्वास रखते थे स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की स्थिति पर जिनका पूरा पूरा विश्वास था। वो ये कहा करते थे कि इतिहास हमको ले जाता है टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन। इतिहास जो पढ़ता है, जो पुरानी चीजों को, इन चीजों को पढ़ता है, नहीं राइटिंग करता है, वो इंसान को लाइफ ऑफ परफेक्शन, संपूर्ण तक जीवन की तरफ हमें ले जाता है। मतलब हम मुकम्मल इंसान तभी बनेंगे जब हम इन चीजों को, जब हम ह्यूमनिस्ट जो सब्जेक्ट है उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें पोएट्री है, जिसमें प्रोज है, जिसमें आपकी मॉरल फिलोसॉफी है, हिस्ट्री है, इन चीजों को पढ़कर ही एक इंसान लाइफ ऑफ परफेक्शन, परफेक्ट लाइफ, हम परफेक्ट लाइफ के गोल को हम पा सकते हैं। ये इनका विचार था। इसके बाद कहता है और इन्होंने क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंडक्शन अगेंस्ट प्लेजर। उधर जो अब तक जो चला आ रहा था धार्मिक एटीट्यूड था क्रिश्चियंस का, उसके खिलाफ ये सारी बातें जा रही थी। और अच्छा, देयर वाज आल्सो ए कंसर्न एट दिस टाइम विद गुड मैनर्स। अच्छा, इस टाइम 14th सेंचुरी में आधुनिक दौर था, तो एक चीज और सामने आई, वो था मैनर, हाउ टू शो एटीट्यूड, हाउ टू बिहेव विद अदर पीपल, किस तरह से लोगों से हम पेश आए, किस तरह उनके साथ हम अपना एटीट्यूड दिखाएं, ये चीजें भी। हाउ वन शुड स्पीक, हम किस तरह से पोलाइटली बात करें, ये बात भी सामने आने लगी। एंड ड्रेस, और किस तरह से हम यूनिफॉर्म पहने, ड्रेस पहने, तो ड्रेस को लेकर भी, बातचीत को लेकर भी इस तरह की बातें वहां पर सामने। व्हाट स्किल्स अ पर्सन ऑफ कल्चर शुड, किस तरह की स्किल्स, किस तरह कल्चर आदमी को सीखना चाहिए, ये चीजें भी 14th सेंचुरी के बाद से राइज हुई और लोगों ने इनको भी सीखा। और इस दौर का आदमी क्या कहलाया जाने लगा, सिविलाइज पर्सन, एक सभ्य आदमी। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, इसके बाद नेक्स्ट है पेज नंबर 161 चल रहा है। ह्यूमनिज्म ऑल्सो इम्प्लाइड, ह्यूमनिज्म का मतलब एक और था कि इंडिविजुअल्स वर कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ऑन लाइफ। इंडिविजुअल, एक आम आदमी अपने जीवन को शेप दे सकता था, अपने जीवन को संवार सकता था अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एज वेल एज लाइकिंग, अपनी पसंद और अपने इंटरेस्ट, रुचि के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल सकता था। ये उसको फ्रीडम मिल चुकी थी, आजादी मिल चुकी थी, क्योंकि इससे पहले का लाइफ बार बार आता है कि धर्म जो था, अब तक वो धर्म के अंदर छिपे हुए थे, लिपटे हुए थे। कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ऑन लाइफ थ्रू मीन्स अदर देन द मियर परसूट ऑफ पावर और मनी। पावर और मनी के अलावा भी बहुत से जीवन के अंदर ब्रांचेस की बहुत सी चीजें, जैसे ह्यूमनिस्ट लोग रहे, ह्यूमनिज्म जो दिखाई लोगों को, इंट्रोड्यूस करवाई लोगों ने, उसको अपना कर एक सही मानों में एक सेटिस्फेक्शन महसूस किया, परफेक्शन महसूस किया लाइफ के अंदर। दिस आइडियल वॉज क्लोजली टाइड विद द बिलीव दैट द ह्यूमन नेचर वॉज मेनी साइडेड। ये बात बताती है कि इंसान की जो नेचर है, खुदा भगवान ने जो हमें बनाया है उसमें बहुत सारी चीजें रखी, हमारे अंदर खुशी भी है, गम भी है, कुछ लोग कंजूस भी हैं, कुछ लोग उदार भी हैं, सब तरह के लोगों को बनाया है। तो इस तरह से ह्यूमनिस्ट जो कल्चर रहा, ह्यूमनिस्ट कल्चर,
वो बहुत पॉपुलर हुआ, उसने यूरोप को जगा दिया और इंसान को सिविलाइज इंसान कहलाए जाने के लायक कर दिया, विच वेंट अगेंस्ट द थ्री सेपरेट ऑर्डर्स फ्यूडल सोसाइटी, सबसे अलग अर्थ था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम में फिर हम दूसरी द नेक्स्ट एस्पिरेशन ऑफ वीमन इसको आप पढ़िएगा, और ये कुछ क्वेश्चन हैं, वन और दो क्वेश्चन इनको आप अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।